तो चलिए मिलती हूँ कुछ देर के बाद। आ गया सुमित, अमित ये कर लाम तुम्हें पढ़ा लाम तो आज से होबे ना এটা হবে না তো তুমি ফোন করে দাম ফোন জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। আচ্ছা এনো এখানে আছে তো দাম ফোন স্যার এনো এখানে কাগজপত্র আছে কোন কাগজটা দেখে না রঞ্জিৎ আসলে সফটওয়্যার কি লাগে স্যার আমি রান্না বসাতে যাচ্ছি কেন এজন মাছের ঝালটা করব আর কি করব এত কিছু নাই ডাল মাছের ঝাল আর ডাল আর নাইরো আমি আসি হলো ঠিক আছে আসো বাই লাভ ইউ লাভ ইউ ফর মাছ কাউসে নিয়ে যাও না কাউসে নিয়ে যাও YouTube पर सर्च करते
सर्च करके ढूंढ सकती इस गाने को, टुम्पा सॉन्ग बोलकर, जिनका एक एक थिंकिंग से मैं अपने अपने वीडियो बनाया है। बहुत मस्त गाना है ये, और इसके साथ वीडियो क्लिप भी बहुत मस्त है। तो चलिए, ज्यादा बातें करूंगी तो उस तरफ मेरा मसाला जल जाएगा। तो गैस का फ्लेम मैंने कम करके ही गई थी। तो चलिए, शॉर्ट लेके रूम पे जाती हूँ, उस गाने को चला देती हूँ और इसके बाद एंजॉय करती हूँ उस गाने को और खाना बनाती हूँ। आज ना दाल गटनी में दाल देने में भूल गई थी, तो इसीलिए मुझे अलग से दाल को बॉईल करना पड़ रहा है। दाल को बॉईल करने के लिए मैंने दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ग्रीन चिली और कच्चा ऑयल, ये देकर मैं उबाल रही हूँ। वो जब अच्छे से कुक हो जाए, नमक भी दिया मैंने, वो जब अच्छे से, और ये जो है ना, एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आपके किचन में ढूंढने से एंटर होने से पहले ये क्या रहता है, इसमें ना कागज रहता है। कागज जो मेरे फादर इन लॉ ना मिट्टी का चूल्हा है, वो क्या बोलते हैं, धराने के लिए, मिट्टी का चूल्हा आग लगाने के लिए इसमें कागज भर के रखता है, तो इसीलिए इस जगह पर रखता है। और हमारा किचन बहुत ही छोटा है, तो कहाँ रखेगा। किचन का आधा सामान तो मेरा बेडरूम में रहता है, और जो मिट्टी का आस देने के लिए, यानी कि मिट्टी के चूल्हा में आग लगाने के लिए इसमें कागज रहता है, तो इसीलिए ये यहाँ पर टंगा रहता है। मुझे पता है ये देखने में थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन फादर इन लॉ का ये क्या बोलते हैं, संपत्ति, यानी कि एक क्या बोलते हैं, संपत्ति जो बोलता है ना, वो जिस जगह पर रखना चाहते उसी जगह पर रखना पसंद करते हैं। इसलिए मैं कुछ ज्यादा छेड़खाड़ नहीं करती उनका कोई भी सामान लेकर, उनका क्यों, मेरे फादर इन लॉ का, मदर इन लॉ का, सास ससुर का कोई भी सामान मैं छेड़खाड़ नहीं करती हूँ। और ये सिंह की तरह उड़ रहा है, तो मैंने कपड़ा मैंने वॉश करने के लिए भिगो दिया है निरमा का पानी में। अभी उसको, अभी तो एक बज रहे हैं, एक नहीं बजा है शायद, ना बज गया पता नहीं, नहीं नहीं बजा है अभी, तो इसको अभी थोड़ा देर तक मैं छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद इस कपड़े को धोऊंगी, धोने के बाद घर का पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी और थोड़ा सा रेस्ट लूंगी। सुबह का काम ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, अगर नींद से लेट करके उठती हूँ ना तो अच्छा है, क्यों पता है, समय निकल जाता है। अगर जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती हूँ ना, समय नहीं बीतता है, तो मैं ना और भी थोड़ा सा मन मेरा उदास हो जाता है। मेरे पास ज्यादा वक्त रहने से ना मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ। पता नहीं हर किसी का, आप में से कौन ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज्यादा फ्री टाइम रहने से ना दिमाग में ज्यादा जोर पड़ता है, तो पुराने पुराने बातें सब याद आता है, मन पूरा उदास हो जाता है। इसीलिए ना थोड़ा सा लेट करके उठती हूँ और काम ज्यादा रखती हूँ, ताकि काम करते करते पूरा दिन निकल जाए। आज तो मेरा क्लास भी है, तो 4 बजे से पहले मुझे फटाफट से काम तैयार कर लेना है, यानी कि काम कर लेना है, उसके बाद मुझे निकलना है क्लास के लिए। और आज का कौन सा डे है पता नहीं है, देखिए बात करते करते 1 भी बज चुका है। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ, बाकी का काम कर ली तो इसके बाद मिलती हूँ, ठीक है।
और ये झुमका अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत पसंद है। बहुत दिनों से मैं इसे ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। कल मैंने थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा मैंने सही किया था, उसके बाद मुझे जाकर ये झुमका मिला तो मैं पहन लिया। अच्छा लग रहा है ना। और सुमित आया था ना, वो जल्दी जल्दी आते ही निकल गया। मैंने बोला बाबू प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे तरफ से एक बार देखो। फिर उसने देखा, बोले बाबू कितना प्यारी लग रही है तुम, छोटी बच्ची की तरह। तो बस वो काम के लिए आए थे, एक फोन नंबर लेने के लिए, वो फटाफट से लेकर भाग गया बस। तो चलिए, मेरा तो राइस भी हो चुका है, अभी दाल बॉयल करने की चढ़ा दिया है, और उसका उस तरफ में फिश का ग्रेवी बन रहा है, तो फिश में मैंने डाल चुकी हूँ। अभी इस बीच में मैं क्या करूँगी पता है, इस बीच में मैं सोच रही हूँ जो बर्तन वगैरह निकला है, उस सभी बर्तन वगैरह को क्लीन कर लूंगी, और थोड़ा सा पोछा भी लगा लेती हूँ जितना हो सके। उसके बाद बेडरूम को मैं छोड़ देती हूँ, बेडरूम को बारिंदा को पोछा लगा लेती हूँ। बाहर भी थोड़ा सा पानी भर रहा है, ये सब कर देती हूँ। बहुत सारे काम होता है जो सब कुछ मैं अगर वीडियो में शो करूंगी ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं हर चीज में शेयर नहीं कर पाती, जितना हो सके मैं उतना करती हूँ। तो चलिए बाद में मिलती हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर दी एंड करती हूँ। 2:10 बाकी है, सुमित भी आ चुका है, अभी नहाऊंगी मैं। नहा धोने के बाद फिर खाना लगाऊंगी सभी के लिए। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।